शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। नमस्कार, मैं यश मामगेन आपका पदार्पण फिल्म्स एंड थिएटर इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करता हूँ। पदार्पण फिल्म्स एंड थिएटर इंस्टीट्यूट के कलाकार अब आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 26/11/2008 ये वो दिन है जिस दिन हमारे देश में एक ऐसी त्रासदी घटी थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। मुंबई में 10 आतंकवादियों ने आतंकी हमला किया। जी हाँ, समुद्र से एयरपोर्ट के द्वारा 10 आतंकवादी 8:20 पे बदोर पाक जेटी के तट पर पहुंचते हैं, जिनमें से 2 आतंकवादी बोट में ही रह जाते हैं और वो शहर की दूसरी दिशा की ओर बढ़ चलते हैं। बाकी के 8 आतंकवादी 2-2 की टुकड़ियों में बट जाते हैं, जिनमें से 2 सीएसपी, 2 ओपन कैफे, 2 ताज होटल और 2 अन्य स्थान पर निकल जाते हैं। आतंकवादी ये निर्धारित करते हैं कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ठीक 9:20 पे एक साथ आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली घटना स्थल पर, जिसका नाम है लियोपोल्ड कैफे। यहाँ पर ताज होटल में ठहरे हुए अमेरिकी नागरिक जॉन फेस्को और डारा हुआ घूमते हुए पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लियोपोल्ड कैफे पर। Look at this cafe. How is it? Shall we go here? Wow, it's quite amazing. Let's go and have something. Let's go. Please have a seat. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Another order, please. What will you have? I'll have a cappuccino order. 2 cappuccino, please. 2 cappuccino. Anything else, sir? One garlic bread. क्यों बद्दुआओं की झोली भरकर इंसान होकर भी इंसान का ही शिकार करते हो? आखिर कोई इंसान जानवर से भी बदतर कैसे हो सकता है? तो ये दृश्य तो आप लोगों ने देखा ही। वही दूसरी तरफ कसाब और उसका साथी जिस टैक्सी में बैठे थे उसी टैक्सी में बॉम्ब फिट कर सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सीएसटी रेलवे स्टेशन पर। इमरान। हाँ जी अम्मी। इमरान बेटा आ जाओ। आया अम्मी। तैयार हो गया तू? हाँ अम्मी। अम्मी आपने अर्जी रख ली ना मेरी? हाँ रख ली। तूने ब्रश रखा है ना? हाँ मैंने अर्जी रख ली जो आपने बोला था। अच्छा अम्मी। हाँ आज खाला से हम कितने दिन बाद मिलेंगे ना?
हाँ बेटा। और खाला में देखे कितनी खुश होगी। हाँ और आशिक को भूल गया तू? अरे उसको तो मैं बहुत याद करता हूँ। तो बचपन में कितना खेला करते थे साथ, वो तेरे को देखेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। हाँ चलो अब चलते हैं। हाँ एक काम कर, तू एक छोटा रख पड़े। चल चल Oh!
जाने कौन सी गीता या कुरान में लिखा होता है, जाने कौन सी गीता या कुरान में लिखा होता है, गोली और मौत ही जिनका मजहब होता है। जाने कौन सी गीता या कुरान में लिखा होता है, गोली और मौत ही जिनका मजहब होता है। आतंकवादी ना किसी का सगा होता है, आतंकवादी ना किसी का सगा होता है, जिहादी बनके ये खुद को ही दगा होता है। अभी आपने देखा आतंकवादियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर कोहराम मचा दिया, और वहीं इससे पहले आपने लियोपोल्ड कैफे में देखा आतंकवादियों ने कैसे नरसंहार किया। वहीं मौजूद जॉन और डारा बच जाते हैं और वह ताज होटल की ओर बढ़ चलते हैं जहां वो ठहरे हुए थे, पर उन्हें क्या पता था उनकी बदकिस्मती वहां भी उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि पहले से ही दो आतंकवादी ताज होटल पर अपना डेरा जमाए हुए थे और लियोपोल्ड कैफे के आदमी अब ताज होटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ताज होटल पर। आतंकवादियों ने ताज होटल पर अपना कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस आतंकवादियों को मारने में असमर्थ हो रही थी क्योंकि मीडिया द्वारा पल-पल खबर दिए जाने पर आतंकवादी बार-बार सतर्क हो रहे थे, जिसके चलते जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाए। लेकिन मीडिया का एक नैतिक दायित्व होता है कि वे देश विदेश में होने वाली खबरों को जनता तक पहुंचाए, जिसके लिए उन्होंने काफी मशक्कत की और अपनी जान भी जोखिम में डाली। तो चलिए देखते हैं आखिर पत्रकारों की क्या भूमिका रही। मुंबई के ताज होटल के सामने है और यहाँ पे कल रात से यहाँ पे लगातार फायरिंग चल रही है और कमांडो की टीम को भी यहाँ पे अंदर गए, काफी समय हो चुका है। अब हम आपको ताज होटल के आसपास की दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ताज होटल के आसपास का दृश्य देख सकते हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यहाँ पे पुलिस की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, पुलिस फोर्स यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे रिपोर्टर्स की टीम बैठी हुई है, मीडिया रिपोर्टर्स की टीम यहाँ पे बैठी हुई है। सब
आखिर कब तक ये जंग यूं ही चलेगी? कब तक ये जंग यूं ही चलेगी? सेहत की आग में इंसानियत जलेगी। हम सब ने देखा इन आतंकवादियों ने बच्चे देखे ना बूढ़े, सबको भून डाला। आखिर क्या खतरा था इन आतंकवादियों को इन मासूमों से? और वहीं दूसरी तरफ कसाब और उसके साथी को इतना करके भी चैन नहीं मिला और वो भर चुका कामा हॉस्पिटल की ओर। चलिए देखे आखिर कामा हॉस्पिटल में क्या घटा। अरे काका, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, जाओ जाके रेस्ट करो। जी डॉक्टर साहब। और काका रेस्ट करना। काका भी ना। सिस्टर, सिस्टर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। वार्ड नंबर 18 में पेशेंट है राज, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो ध्यान रखा। ओके। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल कर देना। आतंकवादी फ्रंट गेट की तरफ आगे, मोरे बोलो कर रहा हूं कवर कीजिए।
मुंबई में आतंकवादियों ने अपने आतंक का कोहराम मचा रखा था। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाए, जिसके चलते जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया ने मुख्यमंत्री से अन्य फोर्स की डिमांड की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली से एनएससी कमांडो को बुलवाने का निर्णय लिया। जब तक एनएससी कमांडो आते तब तक मुंबई पुलिस ने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। वहीं दूसरी ओर कसाब और उसका साथी जिस हॉस्पिटल में गामा हॉस्पिटल में आतंक मचाकर अब आगे बढ़ चुके थे। आगे जाकर पुलिस वालों से मुठभेड़ होने के बाद अब पुलिस वालों को मारकर उन्हीं की गाड़ी लेके आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके टायर पंचर होने पर वह राह चलती स्कोडा गाड़ी को छीन लेते हैं और आगे आतंक फैलाने के लिए बढ़ चलते हैं। वहीं आगे गिरगोम चौपाटी पर पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर सूचना के आधार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है गिरगोम चौपाटी पर। सर स्कोडा लग रही है, के बारे में जानकर तेरी तो औकात भी नहीं है कि उनकी आंख में आग डालकर उनसे बात तक कर सके।
जानता है जब वो बात करते हैं तो उनके चेहरे से नूर बरसता है, नूर दिल करता है कि उनके चेहरे को देखते रहे, नजर नहीं हटती। काका ने कहा कि जन्नू की आग से बचना है तो जिहाद करना होगा, जिहाद। और अल्लाह भी तुम्हारे इस पाप को माफ कर बिना किसी सवाल जवाब के। जब आका ने हमें इस काम के लिए चुना तो हमारी रूह खुश हो गई, हम झूम रहे थे मानो जिंदगी कामयाब हो गई, जन्नत मिल गई। आखिरी वक्त जब आका ने हमें अपने सीने से लगाया तो बोले, अल्लाह हाफिज, जाओ बच्चों, जाओ, और तब तक मारना जब तक जिस्म में जान है, भून डालना सालों को। और अल्लाह कसम, जो मजा तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में आया, मर गए तो शहीद और बच गए तो गाजी। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू और तेरी हुकूमत? और सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे मेरे साथियों के साथ रहने, उसके बाद जो करना हो वो कर लेना। अपने साथियों के साथ रहना चाहता है? हाँ। चल। क्यों, इनके साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़, इन्हें तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिली होगी। या अल्लाह, अब देख इनके चेहरों की तरफ और पूछ कि क्या होता है जिहाद। बहुत जहाज जहाज चिल्ला रहा था ना। अरे तेरे आका ने तुझे ये नहीं बताया कि जहन्नुम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? अगर एक बार सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करता तब भी जन्नत तेरी थी। लेकिन कुरान की इस नसीहत के बारे में वो तुझे कैसे बताता? नहीं तो तेरे हाथ में शहादत का झुंझुना पकड़ा कर तुझसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर पाता? अब ध्यान से देख इनके चेहरों को, इनसे घिन आती है घिन। सूंघ इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। सूंघ, नाक बंद करता, सूंघ। खुशी से झूम रहा था ना जब तेरे आका ने तुझे इस काम के लिए चुना। साले गीदड़, कफन के साथ साथ शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने तेरे पीछे। बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। अरे साले शहीद कौन होते इसका तुझे इल्म ही नहीं। अरे पूछ उन लोगों से जिसने ना खुद को देखा ना अपने घर वालों को, और हंसते हंसते अपने वतन पर कुर्बान हो गए। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंख में आंसू हैं। अरे तेरे आका ने तो तुझे पहचानने से तक इनकार कर दिया। दो गज जमीन नसीब नहीं हुई इन लाशों को। एक बात बता, अभी तक तूने जिस जिसको मारा कभी अपने जमीर से पूछा कि उनका गुनाह क्या था? जमीर, शहादत, मजहब, अरे उन मासूम बच्चों और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पर है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। अरे ऐसा कौन सा मजहब है साला बताता है, जिसको चाह उसको भून डाला साला गीदड़। निकला वो हथियार लेकर, निकला वो हथियार लेकर, सोचा कुर्बानी से मिल जाती है जन्नत। निकला वो हथियार लेकर, सोचा कुर्बानी से मिल जाती है जन्नत। पर मूर्ख कितना भी ना जाना कि उसकी जिंदगी भी थी किसी माँ बाप की मन्नत, माँ बाप की मन्नत, माँ बाप की मन्नत। एक लंबे अरसे के बाद कोर्ट के निर्णय उपरांत 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई। इस हादसे में 166 लोग मारे जाते हैं और 238 लोग घायल हो गए, और 5 ऑफिसर्स शहीद हुए जिनके नाम विजय सलस्कर, शिवराम आमले, संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करकरे और अशोक काम। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाएं और शहीदों को श्रद्धांजलि दें।
कर चले हम फिदा जानो तन साथी।